आज से भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी संगठन अभियान शुरू हो रहा है। दिल्ली में शाम 5 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और इसी के साथ देशव्यापी संगठन पर्व का शुभारंभ होगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह समेत कई नेता इसका सीधा प्रसारण भी देखेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता ग्रहण कराएंगे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए वहां मध्य प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और भोपाल में भी इस सदस्यता अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आयोजन को लेकर बीजेपी ऑफिस में संयुक्त मोर्चा की बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर हर स्तर की प्लानिंग की गई है और संगठन तंत्र और कैडर हर बूथ पर एक्टिव हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पर गरीबों का पहला अधिकार है। भोपाल में अभियान को लेकर पूरी तैयारी है। आयोजन को लेकर बीजेपी ऑफिस में संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है और जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी इस सदस्यता अभियान को बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर चलाने की तैयारी में है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रदेश अध्यक्ष सभी इस सदस्यता अभियान से जुड़ रहे हैं किसी न किसी रूप में। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, बीजेपी का ये अभियान निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय स्तर से इसकी शुरुआत होगी, तो प्रदेश स्तर पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं सदस्यता अभियान के दौरान? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे दिल्ली संगठन की जब बैठक हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में संगठन महापर्व की गतिविधियां भी तेज हो गई थी। चाहे वह राजधानी भोपाल में संयुक्त मोर्चों की बैठक हो या फिर जिले और संभाग, यहां तक कि बूथ स्तर पर भी बैठकें आयोजित की गई हैं और बैठकों के माध्यम से प्लानिंग तैयार की गई है किस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है। देखिए, दिल्ली में जब बैठक हुई थी तो मध्य प्रदेश सरकार या संगठन की तरफ से ये लक्ष्य दिया गया था कि 1.5 करोड़ नए सदस्य मध्य प्रदेश में इस संगठन महापर्व के जरिए बीजेपी जोड़ने वाली है। तो एवरेज के हिसाब से देखें तो हर बूथ पर लगभग 200 नए कार्यकर्ता पार्टी को तैयार कर रहे हैं। इसको लेकर संयुक्त मोर्चे की भी कल बैठक हुई, उसके पहले भी तमाम बैठकें हुई और एक एक कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वह नव मतदाता हो या फिर जो दूसरे अन्य जो मतदाता है जो किसी कारणों से बीजेपी से संगठन से नहीं जुड़ पाए हैं और बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित है, ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ना है। देखिए, बूथ स्तर का मैनेजमेंट बीजेपी का बहुत मजबूत माना जाता है और उसी के आधार पर वह चुनाव भी जीतते। देखिए, पिछले दिनों भी जब बैठक हुई तो तब भी ये इस बात को कहा गया कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो ऐसे में बूथ मजबूत करने की दिशा में लगातार बीजेपी काम कर रही है और आज से ये सदस्यता अभियान का आगाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य के तौर पर आज जेपी नड्डा उन्हें सदस्यता दिलवाएंगे, उसके बाद कल से मध्य प्रदेश में इस महापर्व का आगाज भी हो जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या संगठन से जुड़े जो तमाम नेता हैं सभी अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे और इस महापर्व में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आज शाम